नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश धमीजा। न्यूमरोलॉजी राशिफल में आज बात करते हैं 11 फरवरी 2022 की। जानिए आज का दिन कैसे रहेगा। बात करते हैं मूलांक नंबर एक की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर एक। मूलांक एक वाले लोग आज दूसरों से बातचीत के दौरान अपने शब्दों पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आपकी बात आपके ही अगेंस्ट यूज हो जाए। आज के दिन या तो किसी को कोई प्रॉमिस ना करें या फिर अपनी बात पर आज टिके रहें, और खर्चे अधिक होने की आज संभावना है। यदि कुछ समस्या लगे तो तांबे की वस्तुओं का दान करना लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर दो की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर दो। आज उधार दिया हुआ पैसा वापिस मिलने के चांसेस बनते हैं, परंतु कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आज मैनेज करना अच्छा रहेगा। ईगो या अहंकार की फीलिंग में आकर किसी से आज उलझे नहीं। यदि कुछ समस्या लगे तो माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर तीन की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर तीन। मूलांक तीन वाले व्यक्ति आज के दिन थोड़ा इमोशनल फील करेंगे और आप चाहेंगे कि लोग आपकी भावनाओं का आज सम्मान करें। हालांकि आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पर आपके द्वारा किए गए प्रपोजल आज एक्सेप्ट होने के चांसेस बनते हैं। बिजनेस में कोई रुकी हुई पेमेंट आज आपको मिल सकती है। यदि कुछ समस्या लगे तो दूध में हल्दी डालकर सेवन कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर चार की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर चार। मूलांक चार वालों के लिए आज के दिन के रिजल्ट मिले जुले रहेंगे। ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ बॉन्डिंग को अच्छा बनाकर रखना चाहिए। उनके सहयोग से आज कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी पूरा होने के चांसेस बनते हैं। अपने इमोशंस पर आज कंट्रोल रखिए और भावनाओं में आकर किसी को कोई वायदा ना करें। यदि कुछ समस्या लगे तो आज शहद का सेवन कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर पाँच की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर पाँच। आज बिजनेस में सरकारी क्षेत्र की तरफ आपका रुका हुआ कोई कार्य पूरा हो सकता है। आज आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए पिता से सलाह लेंगे और ऑफिस में सीनियर से भी आज आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस बनते हैं। यदि कुछ समस्या लगे तो गौशाला जाकर आज गाय को चारा डालिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर छः की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर छः। आज पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा और घर के बड़ों के साथ किसी पर्सनल बात पर कहा सुनी हो सकती है। आज अचानक बने खरीदारी के प्लान के कारण लिक्विड कैश की कमी भी आ सकती है। यदि कुछ समस्या लगे तो शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर सात की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर सात। आज सरकारी काम बन सकते हैं और पिता की सलाह से काम करने से आज आपको लाभ मिलेगा। और अचानक से कोई सीनियर की हेल्प से भी कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा या कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। यदि कुछ समस्या लगे तो चावलों का दान मंदिर में कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर आठ की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर आठ। आज जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। कामकाज का लोड आज ज़्यादा रहेगा। पेशेंस के साथ काम करें और मैरिड लाइफ में छोटी मोटी बातों को आज इग्नोर करना अच्छा रहेगा। यदि कुछ समस्या लगे तो काली गाय की सेवा कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर नौ की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर नौ। आज के दिन बच्चों का मन खेल कूद में ज़्यादा लगेगा और किसी को उधार दिया हुआ पैसा भी आज वापस मिल सकता है, और जिसके कारण आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। गले में पीले रंग का धागा पहनना आपके लिए शुभ है, जो आपको लाभ देगा। आज हमने बात की 11 फरवरी के राशिफल की। कल मिलते हैं 12 फरवरी के राशिफल के साथ। नमस्कार।